हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो बी। तो दोस्तों, आज हमारे पास होंडा DODX गाड़ी आई है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, होंडा DODX में डिजिटल मीटर आता है। मीटर टोटली डेड कंडीशन में और चाबी चालू करने पे सिर्फ मीटर की जो बैकलाइट है वो शो हो रही है। मीटर ख़राब होने की बेसिकली वजह जो है कि इसका यहाँ का जो बटन है, ट्रिप बटन, ये निकल गया और बारिश का मौसम है, पानी गया और मीटर ख़राब हो गया। और अनस भाई, आप देख सकते हो, अनस भाई कितने मिनट में खुल जाएगा। भाई ने आज क्या थोड़ी चीटिंग कर दी है, पहले से आधा खोल के रखे और बोलते खुल जाएगा जल्दी। तो चलिए, जब तक अनस भाई मीटर खोलते हैं, हम टेबल पे अपना कुछ दूसरा काम कर लेते हैं। अनस भाई, टेबल पे खोल के लेके आओ फटाफट। तो दोस्तों, जब तक अनस मीटर खोल रहा था तो हमने सोचा जो हमारे टेबल पे पेंडिंग काम है हम वो पटा देते हैं और उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। ये पल्सर NS200 का मीटर है और आप देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले है, इसके ऊपर कुछ चीज़ गिर गई है, इसकी वजह से डिस्प्ले टूट गया है। तो ऑलरेडी ये मीटर खुला हुआ है, आप देख सकते हो इसकी जो टोटल पिंस है शोल्डिंग हुई हुई है। कस्टमर ने किसी के पास दिया था रिपेयरिंग के लिए, तो भाई के पास डिस्प्ले अवेलेबल नहीं था। तो चलिए, हमारे पास इसका डिस्प्ले अवेलेबल है तो डिस्प्ले इसका रिप्लेस कर दें और साथ ही साथ डीओ का मीटर भी रिपेयरिंग कर दें। तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि डिस्प्ले चेंज करने के लिए हमें ये टोटल पिंस जो है वो डीशोल्डिंग करके निकालनी होगी और हम अपनी स्पेशल ट्रिक की मदद से ये डिस्प्ले मदरबोर्ड से काफ़ी आसानी से अलग कर लेंगे। तो चलिए, डिस्प्ले निकालते हैं और वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये रहा इसका डिस्प्ले, है ना, नया डिस्प्ले। तो वॉरेक का चाहिए। NS200 में जो है दो कंपनियों का मीटर आता है, एक ट्रिकॉल कंपनी का आता है, एक वॉरेक कंपनी का आता है। तो इसमें जो है वॉरेक कंपनी का मीटर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये रहा नया डिस्प्ले, ये नया डिस्प्ले हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चलिए, फटाफट फ्रेम में डिस्प्ले लगाते हैं। देख सकते हो, नया डिस्प्ले लगने के बाद मीटर में एक अलग सी जान आ गई है। हमारा मीटर रिपेयर हो गया है। मीटर में फॉल्ट ये था कि इसका डिस्प्ले ख़राब हो गया था और हमने इसमें नया डिस्प्ले लगा दिया है और काम परफेक्ट हो गया है। तो चलिए, इसे फटाफट अनस भाई से फिट करवाते हैं और जो हमने डीओ का काम हाथ में लिया है उसे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये रहा DODX का मीटर। तो हमें इसका मदरबोर्ड रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मदरबोर्ड और डिस्प्ले को अलग करना होगा और जहाँ तक के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके मदरबोर्ड में इशू होगा। डिस्प्ले तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है, डिस्प्ले में फॉल्ट नहीं होगा। तो चलिए, डिस्प्ले को मदरबोर्ड से अलग करते हैं और मदरबोर्ड में फॉल्ट डिटेक्ट करके रिपेयर कर दें। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, हमने अपनी स्पेशल ट्रिक की मदद से डिस्प्ले और मदरबोर्ड काफ़ी आसानी से अलग कर लिया है। ये इसका डिस्प्ले और ये रहा मदरबोर्ड। तो चलिए, मदरबोर्ड में फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं और फटाफट रिपेयर करते हैं। मीटर में पानी गया हुआ है जिसकी वजह से मीटर ख़राब हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पर ब्लोअर मारेंगे और ताकि पानी अगर कहीं गया रहेगा तो वो सूख जाए। दोस्तों, हमने इसमें ब्लोअर मार दिया है और चलिए फटाफट सप्लाई लगाते हैं। और जो इसकी फॉल्ट है, मीटर में जो फॉल्ट है वो डिटेक्ट करते हैं। ये हमने इसमें सप्लाई लगा दिया, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मीटर के अंदर सिर्फ बैकलाइट आ रही थी। तो चलिए, फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं। Thank you.
दोस्तों हमने इसमें फॉल्ट डिटेक्ट कर लिया है। इसकी जो सप्लाई आईसी है पानी जाने की वजह से वो शॉर्ट हो गई है, और आप देख सकते हो बटन जो है वो भी पानी जाने की वजह से ख़राब हो गया है, यहाँ पे भी रस्टेड हो गया है। तो चलिए इसकी सप्लाई आईसी चेंज करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं मीटर हमारा चालू हुआ है या नहीं। तो मदरबोर्ड रिपेयर करके वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमारा मीटर परफेक्टली रिपेयर हो चुका है, हमने इसकी जो सप्लाई आईसी थी वो भी चेंज कर दी है, दोनों सप्लाई आईसी चेंज हो गई है, और जो मेन आईसी का एक ड्राइवर था वो भी चेंज हो गया है, और बटन भी ख़राब हो गया था वो भी चेंज हो गया है। तो चलिए सप्लाई चालू करके एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मदरबोर्ड में हर जगह सप्लाई एकदम प्रॉपर आ रहा है। इसकी जो LED की बैक लाइट है उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, LED जो है वो बीच में से काली पड़ गई है, थोड़े दिन के बाद LED भी ख़राब हो जाएगी। तो चलिए इसकी दोनों LED चेंज कर देते हैं और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये ब्लू कलर में जो आ रही है इसे हम वाइट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी बैकलाइट चेंज कर दी है, आप देख सकते हो। तो चलिए डिस्प्ले को मदरबोर्ड से अटैच करते हैं। डिस्प्ले है मदरबोर्ड से अटैच हो गया है, सप्लाई लगाते हैं। फाइनली दोस्तों हमारा मीटर रेडी हो गया है, अब बारी आती है फटाफट इसको फिट करके कस्टमर को डिलीवरी देने की। और हमने इस पर टेबल पर भी काफ़ी टाइम इसको चेक कर लिया है, मीटर हमारा एकदम परफेक्टली रिपेयर हो गया है। और हमने इसके ग्लास में बटन लगा दिया है, आप देख सकते हो। दोस्तों हमारा मीटर रेडी है गाड़ी पे फिट होने के लिए, तो चलिए अनस से फिट करवाते हैं गाड़ी पे। दोस्तों फाइनली हमारा मीटर गाड़ी पे फिट हो गया है, आप देख सकते हो मीटर हमारा एकदम प्रॉपर रिपेयर हो गया है। राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, और ये स्पीड चल रही है गाड़ी की गाड़ी चालू करने में, तो हमारा काम एकदम परफेक्ट हो गया है। तो चलिए जिसकी गाड़ी है उनसे रिव्यू ले लेते हैं कि उन्हें हमारा काम कैसा लगा। तो गणेश भाई कैसा लगा भाई काम हमारा? नंबर वन, एकदम सही लगा। खोले विले फटफट किए, एकदम फिटिंग विटिंग करके एकदम रावस कर दिए, बनता सही लगा। तो हमारे जो गणेश भाई हमारी YouTube की वीडियो देख के हमारे पास आए थे। तो दोस्तों अगर आपके पास भी DODX है जिसका मीटर पानी जाने की वजह से ख़राब हो गया है या उसमें कुछ और प्रॉब्लम आ गई है तो आप हमारे पास रिपेयर करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।